सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है सुजुकी एवेनिस 125 के बारे में। OBD2 अपडेट्स के बाद E20 फ्यूल रेडी सुजुकी एवेनिस 125 आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है। तो एक प्रॉपर मोटो स्कूटर वाला लुक आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। उसी के साथ साथ काफ़ी यूथ ओरिएंटेड ना एवेनिस 125 हो जाता है। कलर ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग आप लोगों को मिलेंगे, स्पेशली ये वाला जो कि मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। टोटल दो वेरिएंट में एवेनिस अवेलेबल रहने वाला है। ये रहने वाला है अपना स्टैंडर्ड यानी कि विद BT, एंड सेकंड कलर ऑप्शन रहने वाला है आपका रेस एडिशन जो कि एक ब्लू कलर थीम के साथ आप लोगों को मिलता है मोटो GP इंस्पायर्ड। ये रहा अपना E20 फ्यूल का स्टिकर। सो E20 फ्यूल रेडी और OBD2 अपडेट्स के साथ ये रहा अपना सुजुकी एवेनिस 125। से स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ आप लोगों को डिटेल्स स्कूटी में रहने वाली है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं पहले ही, तो 1.09 ऑन रोड जयपुर एवेनिस 125 आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है 1,09,000 रुपये में। क्या कुछ अब आप लोगों को स्कूटी में मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। और प्राइसिंग की बात करते हैं सेकंड वेरिएंट की यानी कि रेस एडिशन की, तो लगभग 400 से लेकर 500 तक का ही डिफरेंस आप लोगों को कलर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला। सो प्रॉपर मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। कंप्लीट बॉडी अपनी फाइबर में ही रहने वाली है, पर बिल्ड क्वालिटी ना स्कूटी की आप लोगों को काफ़ी अच्छी पसंद आने वाली है। बैटरी की प्लेसिंग भी फ्रंट नोज में ही रहने वाली है। सो यहाँ पर है आपकी बैटरी की प्लेसिंग। फ्रंट में देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर एक सुजुकी का लोगो आ जाता है। उसी के साथ साथ एक इस टाइप से कंप्लीट आपको एक रोबोटिक डिज़ाइन यहाँ पर ना देखने को मिलेगा। इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पर आ जाती है, ये रहा अपना हैलोजन में ही। इस टाइप से अपना ब्रेक लीवर है विथ पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक भी इसको आप लोग कह सकते हो, और ये रहा अपना रियर ब्रेक। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। रियर ब्रेक प्रेस करेंगे सो फ्रंट ब्रेक आपका ऑलरेडी इंगेज हो जाएगा। इस टाइप से रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे आप लोगों को साइड प्रोफाइल पे देखने को मिलेगा, और स्टिकरिंग का काम भी मिल जाता है। राइट कनेक्ट एडिशन का स्टिकर भी यहाँ पे मिलने वाला है। ये रहा अपना फ्रंट मडगार्ड मैट ब्लैक में ही यानी कि बॉडी कलर में ही आपको सारा सेटअप रहने वाला है। टायर का सेटअप देखते हैं तो टायर का सेटअप सेम है जैसा कि अपना बर्गमैन में भी रहता है। फ्रंट है 12 इंच का, रियर रहने वाला है आपका 10 इंचेस का। भी रियर भी देख लेते हैं, इस टाइप से कुछ अपना टायर का पैटर्न है। फ्रंट का ग्रेडिंग रहने वाली है 90-90-12। फ्रंट में आप लोगों को मिलने वाला है डिस्क, और रियर रहने वाला है ड्रम। फ्रंट में अलॉय और रियर में भी अलॉय का ही सेटअप आपको मिलेगा। ये रहा अपना रियर टायर 90-110। सो रियर की ग्रेडिंग ये रहने वाली है। काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को बर्गमैन से भी सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नंबर प्लेट की प्लेसिंग फ्रंट नोज पर जाती है। सेंटर वाला पार्ट आपको ग्लॉसी ब्लैक इस कलर थीम के साथ रहने वाला है। बाकी अदर कलर के अंदर ये चीज़ अलग अलग शेड्स में डिपेंड करता है। हेडलैम्प ऑन होने के बाद इस टाइप से कुछ आपका लुक है। इग्निशन अभी ऑन है, इग्निशन के साथ ये अपना हेडलैम्प का सेटअप ऑन रहने वाला है। काफ़ी अच्छा एक डार्क थीम हेडलैम्प का भी यहाँ पर मिलता है। फ्रंट ब्रेकिंग देख लेते हैं तो 190 mm का डिस्क है नेसिन की ब्रेकिंग के साथ। सो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम हो जाता है जिससे कि एक ब्रेकिंग ना आपकी मोर इफेक्टिव स्कूटी में आप लोगों को मिलने वाली है। रियर व्यू मिरर सेम है जैसे कि अपना बर्गमैन में भी आता है, वही वाला सेटअप आपको एवरेज में भी है। सो ये वो अपना फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट। साइड से देखते हैं तो साइड से सीट हाइट का कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली सीट हाइट के साथ भी। फुटबोर्ड आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा फुटबोर्ड का एरिया भी यहाँ पे कवर हो रहा है। प्रैक्टिकलिटी का भी पूरा ध्यान एवेनिस के साथ रखा गया है। शेप आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप का राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से बनने वाला है। MID सेटअप फुली डिजिटल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। स्विचेस देखते हैं, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर, सुजुकी का लोगो आ जाता है। 3-in-1 स्टार्टर प्लस किल स्विच ये आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। बार एंड्स भी फाइबर में ही है, कुछ इस टाइप के अपने ग्रिप कवर वगैरह हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक की भी है, प्लस रबर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है बॉटल होल्डर, आपको अच्छी खासी एक बॉटल कैरी कर सकते हो 1 लीटर की। प्लस ये आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है चार्जिंग पोर्ट, सो USB चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। फ़ोन और पावर बैंक रखने की सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है, पर यहाँ पर ना कोई भी लॉक का मैकेनिज़्म नहीं मिलने वाला। एक लगेज हुक यहाँ पर है, प्लस एक डी हुक आपका यहाँ पर आ जाता है पॉलीबैग वगैरह टाई करने के लिए। और फुटबोर्ड कुछ अपना इस साइज़ का रहने वाला है। रियर बॉडी देखते हैं तो एवेनिस की ब्रांडिंग आ जाती है ग्लॉसी ब्लैक कलर थीम में ही, प्लस ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर मिल जाता है। सुजुकी इको परफॉर्मेंस SEP का एक स्टिकर मिल जाता है जैसे कि आप लोगों को फ्यूल एफिशिएंसी में काफ़ी हेल्प करता है। रियर फुट पैक्स क्रोम में ही आप लोगों को रहने वाले हैं सिल्वर फिनिश में। एग्जॉस्ट भी सेम है जैसा कि बर्गमैन में भी आप लोगों को मिलने वाला ही है। यह आ जाता है अपना टायर हगर, और रियर अलॉयज का शेप आप लोग देख सकते हो। रियर टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है 90-110। सो 10 इंचेस का अपना रियर टायर रहने वाला है। सिंगल स्प्रिंग टाइप आप लोगों को रियर में सस्पेंशन मिलने वाला है, हाइड्रोलिक वाला ही, एक ही पीस
आपको आप लोगों को अपोजिट साइड से मैं दिखा देता हूँ। सीट की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग और प्लस पैटर्न काफ़ी अच्छा है, रेड का टच मिल जाता है स्टिचिंग के अंदर। इस टाइप से कुछ अपना फ्यूल लिड है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है 5.2 लीटर का, 5.2 लीटर का यहाँ पे आप लोगों को टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है। अंडर सीट देख लेते हैं, सो अंडर सीट स्टोरेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, एक अच्छे खासे साइज का हेलमेट आ जाता है, फर्स्ट एड किट है, टूल किट है और ये रहा भाई अपना स्पेस। तो कुछ इस टाइप का सीट का पैटर्न है रियर से, ये रहा अपना एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का कैप और स्प्लिट में ही आप लोगों को यहाँ पर ग्रे ग्रिल भी मिलने वाली है और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एक बाइक से इंस्पायर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिकेटर का शेप देख सकते हो, सेम इंडिकेटर है जो कि अपने को जिक्सर में भी मिल रही है, वही सारा सेटअप एवेनिस में भी मिलने वाला है। ये रहा अपना रियर टेल लैम्प का लुक, ये भी स्प्लिट वाला है और थोड़ा सा एक बाइक्स टाइप आप लोगों को लुक इसका फील होगा। नंबर प्लेट का बल्ब भी हेलोजन में ही है, यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट की प्लेसिंग आनी है, यजदा रिफ्लेक्टर, ये अपना हुआ टेल टाइडी, की होल मिल जाता है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए सेपरेट और ये रहा भाई अपना रियर सस्पेंशन। टायर का सेटअप आप लोग देख सकते हो और इंजन का टेक्सचर भी अपना मैट ब्लैक में ही यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस सेल्फ स्टार्ट तो ही, अभी एग्जॉस्ट नोट भी अपन लोग सुनने वाले हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले, तो 124cc का एयर कूल्ड SOEC 2-valve इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, 8.7 HP का पीक पावर और 10 Nm का आप लोगों का पर टॉर्क है। स्कूटी का जो टोटल वेट है ना वो है 106 kg, उसके साथ पावर टू वेट रेशो काफ़ी अच्छा आप लोगों को फन टू राइड ये स्कूटी फील होने वाला है। अब देख लेते हैं MID में क्या कुछ है, फिर करते हैं स्कूटी को स्टार्ट। सो कुछ इस टाइप का आप लोगों को MID का सेटअप रहने वाला है, स्टार्टअप चेक करते हैं पहले ना। सो ये हुआ बंद और ये हुआ आपका, इस टाइप से कुछ आपका स्टार्टअप यहाँ पे रहने वाला है। प्लास्टिक रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजिबल ये रहे। सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है, तो कनेक्ट होने के बाद काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, ईमेल अलर्ट, फ़ोन की बैटरी भी आप लोगों को यहाँ पर शो होने वाला है, प्लस आपका जो सर्विस इंटरवल है वो भी आपको यहाँ पर शो होने वाला है कनेक्ट करने के बाद। और इस टाइप से वार्निंग लाइट सारी आप लोगों को साइड में दोनों ही साइड देखने को मिल जाएंगी, दो स्विच हैं। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये अपना स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज भी यहाँ पर मिलता है, Average 1, Average 2, Trip 1, Trip 2, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर रहने वाला है MID सेटअप में। स्विचेस की बात अपन ने कर ही ली है, आप कर लेते हैं स्कूटी को स्टार्ट, जो कि होगा ब्रेक लीवर प्रेस करने के बाद। ओके, तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। सो ये अपन ने किया साइड स्टैंड अप और ये कुछ अपना एग्जॉस्ट नोट इसका बनने वाला है, जैसा कि बर्गमैन का भी है। ज़्यादा रेस दी तो भाई आगे निकल जाना और दूसरे एवेनिस के साथ जाके खड़ा हो जाना इसे भी। सो अब कर देते हैं स्कूटी को इंजन ऑफ। सो करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड सुजुकी एवेनिस 125 के बारे में सारी डिटेल आप लोगों को मिली चुकी होगी इस वीडियो में। सो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। अगर कुछ डाउट्स क्लियर होना रह गए हैं तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।